नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आपको इस वीडियो में कुछ शख्स निर्वस्त्र अवस्था में सर पर ढोलक रखकर चलते नजर आ रहे हैं और कुछ किन्नर तालियां बजाते हुए इनके आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये नजारा है जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र का, जहां दो युवकों को नकली किन्नर बनाकर लोगों से पैसा वसूल करना उस समय भारी पड़ गया जब किसी ने असली किन्नरों को इस बात की सूचना दे दी। मौके पर असली किन्नर पहुंचे और इन दोनों युवकों को निर्वस्त्र कर इनके सर पर ढोलक रख दी और करीब 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में गली गली इनको घुमाया। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि नकली किन्नर आए दिन क्षेत्र में लोगों के घर पहुंचकर पैसा मांगने के लिए जिद करते हैं। जब इनकी सूचना असली किन्नरों को दी तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब आए तो हमें बताना, और आज जैसा ही ये कथित किन्नर पैसे की उगाही करने पहुंचे तो असली किन्नरों ने उनके साथ वह किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सरोज मासिक आदिपति घंटाघर से किन्नर समाज के अध्यक्ष जोधपुर में, ये पूजा किन्नर नकली किन्नरों को सबको यहाँ पन्ना देती है मगरा जी की घाटी में, और सब जगह मांग मांगू के सब लेके जाते हैं और हमारा बदनाम करते हैं। यूपी से 2-4 छोरे लेके आए, मेरठ से गोलीबाज जो गाड़ियाँ लेके हमारे हिजड़ों के पीछे घूमते हैं। ये पूजा रखती है, रात को दारू में पिलाती है, घर में रखती है नकली किन्नरों को। सब पब्लिक से कहना, सब सावधान हो जाए, कोई आवे तो बधाई ना दे। ये कार्ड नंबर, ये कार्ड के ऊपर फोन करें हम लोग।